हाय विमान, एक अमेजिंग सीरीज लेके आए हैं आपके लिए जिसमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक का एनालिसिस करेंगे आपके सामने। राइट, एक्चुअली ये लाइव तो नहीं है, लाइव वीडियो भी हम शुरू करेंगे, बट फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कैसे हाउ टू एनालाइज द स्टॉक्स। ओके, सो अभी अदानी पॉड है, उसमें भी फिलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, किसी और को कुछ दिख भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट, क्योंकि ये तो ऐसे ही है दोस्तों, गाथा के किसी को अदानी बोर्ड में बाई भी दिखे, किसी को शॉर्ट भी देखे। राइट, जिससे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। राइट, हमारा मेजर जो है वो फोकस रहेगा अभी फिलहाल प्राइस एक्शन पे। ठीक है, फिर उसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, इंडिकेटर से चेक कर लेंगे, क्योंकि प्राइस इज अ गॉड। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस पे चलते हैं। तो ये अदानी पोर्ट देख लिया, चार्ट पैटर्न देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे, गैप देखेंगे, हैसियत में तो देखो अभी फिलहाल कुछ है नहीं। इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो लाइफ टाइम हाई बनाया है उसके बाद रिएक्शन दिया है। राइट, तो ये हाई के ऊपर 1848 के ऊपर वॉच करना है। राइट, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। राइट, तो ये भी एक स्टडी ही है दोस्तों कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक करना और उसके बाद रिएक्शन लेना। तो आज ये 50 स्टॉक्स देखते देखते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। राइट, तो सबसे पहले क्या सीखा हमने, नंबर वन लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट, फिर उसके बाद रिएक्शन। राइट, एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों, लाइफ टाइम हाई ही है, यस लाइफ टाइम हाई। राइट, तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने पे तुरंत ना खरीदें, लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद एक रिएक्शन चाहिए जो यहाँ पे आया था। राइट, ओके, सो इसको वॉच करना है 1848 के ऊपर, जब भी जाता है देखेंगे। फिर दोस्तों यानी एक चीज सीखी एशियन पेंट से, एक्सिस बैंक में फिलहाल कुछ अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, साइडवे जैसा है। राइट, स्ट्रक्चर पूरा साइडवे जैसा दिख रहा है। बजाज ऑटो में तो ठीक है, ये डबल टॉप यहाँ पे ब्रेक होके फिर खत्म, इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है। बजाज फिनसर्व में भी अभी कुछ नहीं है, इसमें बजाज फाइनेंस में भी नहीं है। कई लोग लाइफ टाइम हाई से भी बाई करते हैं, लाइफ टाइम लो से सेल करते हैं, बहुत कम लोग हैं दोस्तों ऐसे। ये एक स्टॉक है ब्रिटानिया, उसमें शायद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, देख लेते हैं। होप आपको मुझ पर भरोसा है ही, डेफिनेटली मैंने पहले से देखे नहीं है स्टॉक्स। ओके, ब्रिटानिया यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ओके, फिर ब्रेक होने के बाद तुरंत रिएक्शन आया तो और अच्छा है दोस्तों, इसमें देर हो चुकी है। देखो इस दिन ब्रेक होने के बाद, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद उसके नेक्स्ट डे ही रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन आने एक क्लोज नीचे। ओके, तो इसको भी जाने देते हैं। सिप्ला फिलहाल कुछ है नहीं, ये रेंज में घूम रहा है। कॉल इंडिया भी देखो कुछ है नहीं, फिलहाल रेंज में घूम रहा है। डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ खास है नहीं, बड़ा ग्रीन बार बन गया ना, उसके बाद अभी एंट्री नहीं देनी, ये फ्राइडे को बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है, उसके बाद वेट फॉर द रिएक्शन, उसके बाद देखेंगे कुछ आता है। आईसर मोटर में थोड़ा बहुत है, फिर उसमें सब चेक कर लेंगे, वो भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें देखिए ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास क्लोज दिया था और रिएक्शन दिया है। राइट, तो इसमें एक ध्यान रख सकते हैं, वी कैन ट्रैक इट। ओके, सो आईसर मोटर में सब बाकी की स्टडीज चेक कर लेते हैं। MACD तो ठीक है, उसने क्रॉस ओवर दिया है लेकिन बेरिश जोन में दिया है, बॉलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज और बर्लिंगर के बाहर है, तो स्मूथ एरिया में तो है अभी फिलहाल। MACD को कर देते हैं, CMO डाल देते हैं, CMO में भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है, देखो सिर्फ ग्रीन लाइन है, रिएक्शन इसमें भी चाहिए प्राइस के साथ। ADX से देख सकते हैं, ADX में शायद कुछ अच्छा है, क्या अच्छा है तो देख लेते हैं। ग्रीन लाइन इसमें देखो, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड वाला ADX का सेटअप हमने डाला था। राइट, वो चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है। क्या है दोस्तों, तो ग्रीन ने रेड को काटा, 25 के ऊपर है एंड इट हैज टेकन द रिएक्शन। राइट, अगर ये हाई ब्रेक होता है और ये मंडे को ही होना चाहिए, ओके, तो हो सकता है, क्या हो सकता है देख लेते हैं।
अगर ये टूटा है हाई, मंडे ही टूटना चाहिए, तो हो सकता है कि प्रॉस्ट डी कैन गो अप। एक दो ट्रेड में स्टॉप लॉस होने से दोस्तों आप उस पर से भरोसा ना उठाइए, राइट, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि हो सकता है ये रेड लाइन व्हाइट के नीचे आ जाए और ये मंडे के लिए ही सेटअप बनेगा, राइट, और ये व्हाइट लाइन बीच में आ सकती है। फिर तो मैंने आपको बताया ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहना है, रिवाइज के लिए वी वेट फॉर द रेड कैंडल, राइट। तो इसको वॉच कीजिएगा एज पर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड ADX सेटअप आइसर मोटर। बाकी कुछ देख लेते हैं, CMO में तो देखा हमने, RSI देख लेते हैं, RSI में भी रिएक्शन है, छोटा झुकना बाय के लिए ये झुका हो, राइट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, तो अच्छा है फिगर। ओके, सो देखा हमने एक एशियन पेंट, ध्यान रखिएगा एज पर द स्टडी लाइफ टाइम हाई विथ रिएक्शन एसर मोटर एज पर ADX सेटअप। दो स्टॉक्स अभी ध्यान रखना है आपको, गेल, गेल में क्या है, गेल में हेमर है लेकिन बॉलिंग कर बैंड के बाहर है कि नहीं, ये स्टडी का वीडियो भी हमने रखा था दोस्तों यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा एक बार, बैंड के बाहर नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। ये ग्रासिम था, कुछ नहीं है, SCL टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, HDFC इट्स ओके, HDFC बैंक में कुछ नहीं है फिलहाल, हीरो मोटो में भी कुछ खास नहीं है, को में भी कुछ नहीं है, यही यूनिलीवर तो चला गया है, इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था बट कुछ रिएक्शन या कुछ आया नहीं है ना, इसीलिए हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। देख लेते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद भी रिएक्शन नहीं लिया है, बिना रिएक्शन का थोड़ा फिर रिस्की हो जाता है दोस्तों। ऐसे से मैं फिर कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बेल आइकन पे क्लिक, ओके, व्हाट्सएप पे चाहिए तो ये नंबर है, और कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, 9879503421। इंडसइंड बैंक का ऑलरेडी हमने कवर किया था दोस्तों, यहाँ से डबल टॉप ब्रेक हुआ है, राइट, फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करना करते रहना है, मैंने आपको बताया था, अभी स्टॉप लॉस ये हो गया, यानी ब्रेक इवन पे तो पहुंच गए दोस्तों, राइट। सो दिस इज द वे टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। 5-10 रुपये मिलने पे निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, इंफ्राटेल एक ऐसा एक गैप डाउन में मिल रहा है, राइट, इसका जोन देख लेते हैं, MACD से जोन डिफाइन कर सकते हैं, जिसका वीडियो हमने रखा ही है, इसका MACD में जो सिग्नल लाइन है वो एंटर हो चुका है जीरो लाइन के नीचे, ये रेड लाइन है ना दोस्तों, वो जीरो लाइन के नीचे, यानी तो कुछ अच्छा है नहीं, अगर रिएक्शन आता है देख लेते हैं, ये लेवल है उससे नीचे और नीचे जा सकता है, राइट, लेकिन उससे पहले अगर रिएक्शन आ जाता है उसको ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, यानी अभी फिलहाल क्या है ऐसे गिरा हुआ है, राइट, एक क्लोज थोड़ा ऊपर आ जाता है ऐसे, राइट, उसके बाद ये लो ब्रेक होता है 210.25 या फिर इनसाइड बार हो जाता है, राइट, उसके बाद ये लो ब्रेक होता है, तो 210.25 एज पर द गैप स्टडी वेट फॉर द रिएक्शन, राइट, या फिर इनसाइड बार, ओके, सो यू कैन वॉच इंफ्राटेल ऑल्सो। तो अभी फिलहाल तीन स्टॉक्स है दोस्तों, मैं भी याद रखने की ट्राई कर रहा हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है, एक कौन सा था, एक एशियन पेंट था, राइट, फिर दूसरा इंफ्राटेल, और आगे भी एक स्टॉक दिखा था वीडियो, वापिस रिवर्स कर लीजिए, देख लीजिएगा, हाँ आइसर मोटर था, यस, दिस इज गुड सेटअप, राइट, ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन लेना, हमने सन टीवी रखा था लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे ही टूटना चाहिए, तो ये लेवल नेक्स्ट डे नहीं टूटा था, राइट, बट ब्रेकआउट के बाद देखिए इनसाइड बार है फिर ब्रेकआउट, तो ये सेटअप भी अच्छा माना जाता है, ओके, तो देख लेते हैं इन्फोसिस में क्या हो सकता है। सभी के सब स्टॉक्स ज़्यादातर जो जो मेन मेन स्टॉक है वो आ चुके हैं इसमें, राइट, इज ओनली एजुकेशनल पर्पज दोस्तों। इन्फोसिस में क्लियर कट गैप अप के साथ टूटा हुआ है इसने ये वाला ट्रेंड लाइन, जो बहुत रेयरली टूटता है, और टूटने के बाद टेकिंग रेस्ट, तो उसका लेवल सेम रहेगा ये वाला हाई, दिस इज 777.50, राइट, तो उसके ऊपर इसको वॉच करना चाहिए, बाकी देख लेते हैं आगे। IOC में अभी फिलहाल कुछ है नहीं,
आईटीसी में भी कुछ नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, राइट? कुछ हो भी सकता है, कुटक में भी कुछ नहीं है, एलएनटी में भी फिलहाल जोन उसका बुरा है। इसका ये ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करके रख रहा हूँ आपके लिए, तो काम आएगा इन फ्यूचर। हर रोज निफ्टी फिफ्टी के 50 स्टॉक हम ऐसे रिव्यू करेंगे, धीरे धीरे एफ एंड ओ में भी शुरू करेंगे। इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, यू कैन ड्रॉ द चैनल, राइट? तो ये आपको चैनल दिखेगी, राइट? ये बेरिश पैटर्न है, गिरने के बाद ऐसे कंसोलिडेट होना, राइट? तो ये तो फिर इसके नीचे कंफर्म आएगा वो, बट अभी फिलहाल ठीक है, ओके है, इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। M&M में भी कुछ ज्यादा है नहीं, मारुति में भी नथिंग इज देयर, नेस्ले में भी कुछ नहीं है, NTPC में भी नथिंग इज देयर, ONGC इट्स ओके, पावर ग्रिड सॉरी, रिलायंस, सबकी नजरें इस पे रहती है दोस्तों। यहाँ पे गैप डाउन था, यहाँ पे गैप अप हुआ, ओके? इसमें वेट फॉर द रिएक्शन, ओके गाइस, लेट्स सी। कहाँ गया रिलायंस? ये रहा, ओ सॉरी, ये पावर ग्रिड है, तो रिलायंस को कर देते हैं वापिस ऊपर। देखिए दोस्तों, गैप डाउन यानी हमने क्या बताया है, बैड न्यूज, गैप अप यानी गुड न्यूज, या फिर दिस इज द वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, ओके? तो अभी फिलहाल ये चीज जो कल हुआ है उसका रिलायंस का रिजल्ट आया था, क्या है अभी पता नहीं है ना, लेकिन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन चाहिए और ये वाला गैप फील हो तो और अच्छा है उसके बाद, बट रिएक्शन आता है कल यानी कि मंडे, सॉरी, गिरना चाहिए ऐसा, उसके बाद ध्यान रखिएगा, ठीक है? SBI में देखो दोस्तों, कुछ फिलहाल है नहीं अभी, ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है अभी फिलहाल, राइट? जिसमें लेफ्ट साइड 2 शोल्डर्स है, राइट? यहाँ पे एक शोल्डर है। सन फार्मा में भी कुछ नहीं है फिलहाल, टाटा मोटर्स तो ठीक है, चल ही रहा है, जाने दो, चलने दो इसको। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर बहुत पतला है, फास्ट है, ऐसा नहीं है मीन्स, बट अभी कुछ बन नहीं रहा है। TCS में दोस्तों ध्यान रखिएगा, IT में एक लेने जैसा एक शेयर इन्फी है और दूसरा अभी फिलहाल मेरे हिसाब से TCS है, ठीक है? बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है उसका, हर बार ब्रेकआउट के बाद वो ट्रैप ही किया है, राइट? तो इसमें ट्रैप में बचने के लिए हमारा जो बेस जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट फॉर द रिएक्शन, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। 2296 का हाई है लाइफ टाइम, और उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 2300 के पास, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट? तो वो एक बार क्रॉस हो तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है, राइट? तो वेट कीजिएगा, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिएक्शन, यानी ब्रेकआउट हुआ फिर रिएक्शन, यानी एक क्लोज नीचे, राइट? लाइन चार्ट से अगर मैं बताऊं तो ऐसे टूटना और फिर एक दिन, सिर्फ एक दिन का रिएक्शन हो तो अच्छा है, राइट? फिर ये हाई क्रॉस होता है तो ध्यान रखना है, ओके? सो कई लोग ये हाई से भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। 2296.20 दिक्कत ये है दोस्तों, हम सब यस बैंक के पीछे भागते हैं, ओके? लेकिन ये जो अच्छा शेयर है TCS, तो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत कम क्वांटिटी में आएगी, क्वांटिटी को क्या करना है, ओके? तो यस बैंक के पीछे मत भागो, लाइफ टाइम लो वाले स्टॉक के पीछे क्यों भागते हो, ऐसे स्टॉक्स के पीछे जाओ जो लाइफ टाइम हाई के पास हो, ओके? एक बार आप, वैसे तो डिसिप्लिन रखना ही है, बट फंस भी गए तो निकल पाओगे, चांसेस रहते हैं, राइट? डेफिनेटली अगर गया तो बहुत टूट भी सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस तो रखना ही है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो TCS को वॉच कीजिएगा 2296.20 पे। फिर एक महिंद्रा में एक चैनल ड्रॉ करके रखते हैं अभी फिलहाल, फिर देखेंगे जब आएगा। अपट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन ठीक है, कुछ बन नहीं रहा है ध्यान रखने जैसा। अभी टाइटन के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों, इसमें अभी फिलहाल टेम्पररी कुछ है कि नहीं,
ट्रेंड लाइन था जो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पे रिएक्शन दिया है, थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्की इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप डाउन है, किस चीज़ का पता नहीं है, कुछ न्यूज़ आए होंगे, फिलहाल कुछ है नहीं इसमें करने जैसा। और उसकी ओपन इंटरेस्ट की जो रेंज है वो 1200 से 1160 दिख रही है। अल्ट्रा टेप सिम्को में भी फिलहाल कुछ नहीं है, यूपीएल में भी कुछ नहीं है, वीडीएल में कुछ नहीं है, विप्रो इट्स ओके। देखो देखो दोस्तों, इन्फोसिस और टीसीएस पे ध्यान रखने जैसा है, विप्रो में अभी फिलहाल ठीक है, कुछ उतना खास नहीं है, ये लेवल के ऊपर देखेंगे। जो डब्ल्यू पैटर्न के वो इसमें बन गई है, डब्ल्यू पैटर्न ओके दिख रहे हैं डब्ल्यू जैसा, ठीक है, तो इसके ऊपर कन्फर्म होगा, बट वेट ब्रेक होने के बाद वेट फॉर द रिएक्शन। यस बैंक सबका फेवरेट स्टॉक्स आ चुका है दोस्तों, अभी इसमें कुछ है नहीं, फिर भी ठीक है, आप लोग क्यों खरीदते हो दोस्तों, आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ ओके। ठीक है वो बढ़ेगा, लेकिन गिरने के लिए ही बढ़ रहा है अभी तो फिलहाल। हमारा दिक्कत क्या होता है दोस्तों, ये जो एमएसईडी वाला जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये रेड लाइन जो है वो 0 लाइन के नीचे है, तो उसके बाद भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो निकलने के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी होता है, बट उसका बेनिफिट लेते नहीं है। जिसने यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे बेचेगा, 40 वाला 52 में बेचेगा, फिर वापस 40 आएगा तो ले लेगा, और अभी वो 40 के नीचे 36 हो गया है, तो यही दिक्कत होती है कि कोई किसी को फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक बार मिलेगा फिर दूसरी बार 40 पे जाओगे तो वो तो रेंज टूट रही है ओके। इसके नीचे तो इसका बुरा हाल हो जाएगा, 29 के नीचे तो लाइफ टाइम लो यानी सबसे पीटा हुआ स्टॉक। जिम में अभी देखते हैं कुछ खास, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, मंडे बढ़ जाए गिर जाए वो अलग बात है। अरे दोस्तों आज हमने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स देखे, जिसमें 4 to 5 थिंग्स हमने सीखी आज ओके। तो सबको वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ओके। सो दिस इज़ फॉर मंडे, मंडे के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है, और जो भी स्टॉक्स हमने देखे हैं उसको एजुकेशन पर्पस आप भी देखिएगा ओके। तो फिर और कोर्स के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए तो कॉल ऑन 9879503421 ओके। गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।